अब श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि वे देश भर के उत्सुक बच्चों को शिक्षक दिवस पर संबोधित करें। देश भर में बिंद बिंद स्कूलों में बैठे हुए और इस समारोह में उपस्थित सभी प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, मेरे लिए एक सौभाग्य की घड़ी है कि मुझे भारत के भावी सपने जिनकी आंखों में सवार हैं, उन बालकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। आज शिक्षक दिवस है। धीरे धीरे यह स्पेयक प्रसंग की अहमियत कम होती जा रही है। शायद बहुत से सारे स्कूल होंगे जहां 5 सितंबर को इस रूप में याद भी नहीं किया जाता होगा। शिक्षकों को अवार्ड मिलना, उनका एक समारोह होना, वहां तक ही ज्यादातर ये सीमित हो गया है। आवश्यकता है कि हम इस बात को उजागर करें, समाज जीवन में शिक्षक का महात्म्य क्या है। और जब तक हम उस महात्म्य को स्वीकार नहीं करेंगे, न शिक्षक के प्रति गौरव पैदा होगा, न शिक्षक के माध्यम से नई पीढ़ी में परिवर्तन में कोई ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। और इसलिए इस एक महान परंपरा को समयानुकूल परिवर्तन करके अधिक प्राणवान कैसे बनाया जाए, अधिक तेजस्वी कैसे बनाया जाए, और इस पर एक चिंतन बहस होने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि बहुत ही सामर्थ्यवान विद्यार्थी टीचर बनना पसंद क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब हम सबको खोजना पड़ेगा। एक वैश्विक परिवेश में ऐसा माना जाता है कि सारे दुनिया में अच्छे टीचरों की बहुत बड़ी मांग, अच्छे टीचर मिल नहीं रहे। भारत युवा देश है, क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता है? हमारे देश से बहुत ही उत्तम प्रकार के टीचर हम एक्सपोर्ट करेंगे, और आज जो बालक है उसके मन में इच्छा नहीं जगा सकते कि हाँ, मैं भी एक अच्छा टीचर बन के देश और समाज के लिए काम आऊंगा? ये भाव कैसे जगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक उत्तम सेवा इस देश की। वे अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे, वो शिक्षक का जन्मदिन मनाने का आग्रह करते थे। ये शिक्षक दिवस की कल्पना, खैर अब तो दुनिया के कई देशों में इस परंपरा को जन्म मिला है। दुनिया में किसी भी बड़े व्यक्ति को पूछिए, वो
उसके जीवन की सफलता के संबंध में दो बातें वो अवश्य बताएगा। एक कहेगा मेरी माँ का योगदान है, दूसरा मेरे शिक्षक का योगदान है। करीब करीब सभी महापुरुषों के जीवन में ये बात हमें सुनने को मिलती है, लेकिन यही बात हम जहां है वहां हम एक सजगता पूर्वक उसको जीने का प्रयास करते हैं क्या? एक जमाना था शिक्षक के प्रति एक ऐसा भाव था, यानी पूरे छोटा सा गांव हो तो पूरे गांव में सबसे आदरणीय कोई व्यक्ति हुआ करता था तो शिक्षक हुआ करता था। पूरा गांव ये मास्टर जी ने कह दिया है, नहीं नहीं मास्टर जी बता रहे थे, ऐसा एक भाव था। धीरे धीरे स्थिति काफी बदल गई है, उस स्थिति को पुनः प्रस्थापित कर सकते हैं। एक बालक के नाते आपके मन में भी काफी सवाल होंगे, आप में से कई बालक ऐसे होंगे जिनको छुट्टी के दिन परेशानी होती होगी, उनको लगता होगा बस सोमवार कैसे आए और ये संडे को क्या किया सब जाकर के टीचर को बता दूं। उसका मन उसको जो अपनी माँ को नहीं बता सकता, अपने भाई बहन को नहीं बता सकता, वो बात अपने टीचर को बताने के लिए वो इतना लालायित रहता है, इतना अपनापन हो जाता है उसको। आप में ऐसे बहुत से स्टार स्टूडेंट होंगे, उनको भी ऐसा होता होगा, और वही उसके जीवन को बदलता है। फिर उसका शब्द उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। मैंने कई ऐसे विद्यार्थी देखे हैं, वो बाल भी ऐसे सजाएंगे जैसे अपना टीचर सजाता है, कपड़े भी ऐसे ही पहनेंगे अपना टीचर पहनता है, इतना उनको वो इनके लिए हीरो होता है। ये जो अवस्था है, उस अवस्था को जितना हम प्राणवान बनाएं उतनी हमारी नई पीढ़ी तैयार होगी। चीन में कहावत है, जो लोग साल का सोचते हैं वो अनाज बोते हैं, जो 10 साल का सोचते हैं वो फलों के वृक्ष बोते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों का सोचते हैं वो इंसान बोते हैं। मतलब उसको शिक्षित करना, संस्कारित करना, उसके जीवन को तैयार करना। हमारी शिक्षा प्रणाली को जीवन निर्माण के साथ हम कैसे जीवंत बनाएं? मैंने 15 अगस्त को एक बात कही थी, मैंने कहा था इस वर्ष मेरी इच्छा है कि हम हमारे देश में जितने स्कूल्स हैं कोई स्कूल ऐसी न हो कि जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट ना हो। आज कई स्कूल ऐसी हैं जहां बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां बालक भी के लिए भी नहीं, बालिका के लिए भी नहीं है। अब यूं तो लगेगा क्या ये कोई ऐसा कोई काम है क्या जो प्रधानमंत्री ने, लेकिन जब मैं डिटेल में गया तो मुझे लगा कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है, करने जैसा काम है। लेकिन मुझे उसमें जो देश भर के स्कूल के टीचर मुझे सुन रहे हैं, मुझे हर स्कूल से मदद चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले जापान गया था तो एक भारतीय परिवार मुझे मिला, लेकिन उनकी पत्नी जापानीज है, उनके पतिदेव इंडियन है। वो मेरे पास आए, बोले मुझे एक बात करनी। मैंने बताओ, तो बोले आपका 15 अगस्त का भाषण में सुना था, आप ये सफाई पर बड़ा आग्रह कर रहे हैं। हमारे यहाँ नियम है जापान में, हम सभी टीचर और स्टूडेंट मिल करके स्कूल में सफाई करते हैं, टॉयलेट वगैरह सब हम मिल करके सफाई करते हैं, और ये हमारा हमारे स्कूल में हमारे यानी चरित्र निर्माण का एक हिस्सा है, आप हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा मुझे जाकर के मीडिया वालों को पूछना पड़ेगा वरना ये 24 घंटे चल पड़ता है। मैंने क्योंकि एक दिन देखा था जब मैं गुजरात में था तो एक टीवी पर कार्यक्रम आ रहा था, कार्यक्रम ये था किसी स्कूल में बच्चे सफाई कर रहे थे
और क्या तूफान खड़ा कर दिया था कि बच्चे स्कूल में सफाई करते हैं, ये कैसी स्कूल है, ये कैसे मैनेजमेंट है, कैसे टीचर है, बच्चों पर दमन कर रहे हैं, सब कुछ मैंने देखा था एक बार। खैर मैंने उनसे तो मजाक कर ली, लेकिन हम इसको एक राष्ट्रीय चरित्र कैसे बनाए, और ये बन सकता है, इसको बनाया जा सकता है। दूसरा, मैं देश के गणमान्य लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप डॉक्टर बने होंगे, वकील बने होंगे, इंजीनियर बने होंगे, आईएएस अफसर बनेंगे, आईपीएस अफसर बने होंगे, बहुत कुछ होंगे, क्या आप अपने निकट की कोई स्कूल पसंद करके सप्ताह में ज्यादा नहीं एक पीरियड उन बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं? विषय तय करें स्कूल के साथ बैठ करके। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान ने पढ़े लिखे लोग सप्ताह में एक पीरियड, कितने ही बड़े अफसर क्यों न बने हो, वो जाकर के बच्चों के साथ बिताएं, उनको कुछ सिखाएं। आप मुझे बताइए, शिक्षा में मान लीजिए कहीं पर शिकायत है कि भाई अच्छे टीचर नहीं है, ये नहीं है, ठिकना नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? हम राष्ट्र निर्माण को एक जन आंदोलन में परिवर्तित करें, हर किसी की शक्ति को जोड़ें, हम ऐसा देश नहीं है कि जो किसको इतना पीछे रहने की जरूरत है, हम बहुत आगे जा सकते हैं। और इसलिए राष्ट्रीय चरित्र कैसा बने, इस पर हम लोगों का कोई एम्फेसिस होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, और हम सब मिल करके करें, इसको किया जा सकता है। एक विद्यार्थी के नाते आपके भी बहुत सारे सपने होंगे, मैं नहीं मानता हूं जिंदगी में परिस्थितियां किसी को भी रोक पाती हैं, नहीं रोकती हैं, अगर आगे बढ़ने वाले के इरादों में दम हो। और मैं मानता हूं हमारे देश के नौजवानों में, इन बालकों में वो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को लेकर के वे आगे बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ रहा है, मैं सभी शिक्षकों से आग्रह करता हूं, हम हमारे कुछ अगर हमें सीखना पड़े तो सीखें, भले हमारे आयु 40, 45, 50 पर पहुंची हो, लेकिन हम सीखें। और हम जिन बालकों के साथ जी रहे हैं, जो कि आज टेक्नोलॉजी के युग में पल रहा है, बढ़ रहा है, उसे वंचित न रखें। अगर हम उसे वंचित रखेंगे तो ये बहुत बड़ा क्राइम होगा, इससे सोशल क्राइम। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी से हमारे बालक जुड़े, वो विश्व को उस रूप में जानने के लिए उसको अवसर मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। मैं कभी कभी बालकों से आपको भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे आप लोग? देंगे? अच्छा, आप में से कितने बालक हैं जिनको दिन में 4 बार भरपूर पसीना निकलता है शरीर में से? कितने हैं? नहीं है ना? देखिए, जीवन में खेलकूद नहीं है तो जीवन खिलता नहीं है। ये उम्र ऐसी है, इतना दौड़ना चाहिए, इतनी मस्ती करनी चाहिए, इतना समय निकालना चाहिए, शरीर में कम से कम 4 बार पसीना निकलना चाहिए, वरना क्या बन जाएगी जिंदगी आपकी? करोगे? पक्का? क्योंकि देखिए, वरना क्या, आप तो किताब, टीवी और कभी कंप्यूटर, इस दायरे में जिंदगी नहीं दबनी चाहिए, इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है। और इसलिए ये मस्ती हमारे जीवन में होनी चाहिए। आप लोगों में से कितने हैं जिनको पाठ्यक्रम के सिवाय किताबें पढ़ने का शौक है, ऐसे कितने हैं? चलिए, बहुत अच्छी संख्या में है। ज्यादातर जीवन चरित्र पढ़ने का शौक ऐसे कितने हैं?
वो संख्या बहुत कम है। मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है, जिसका भी आपको पसंद हो, जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। जीवन चरित्र पढ़ने से हम इतिहास के बहुत निकट जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के संबंध में जो लिखा जाता है उसके नजदीक के इतिहास को हम भली भांति जानते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के जीवन को पढ़े हैं, किसी खेलकूद में किसी कोई आगे बढ़ा है और उसका जीवन चरित्र तो वो पढ़ना चाहिए, सिने जगत में किसी ने प्रगति की उसका जीवन पढ़ने को मिलता है तो वो पढ़नी चाहिए, व्यापार जगत में किसी ने प्रगति की है उसका जीवन चरित्र मिलता है उसको पढ़ना चाहिए, साइंटिस्ट के रूप में किसी ने काम किया तो उसका जीवन पढ़ना चाहिए। लेकिन जीवन चरित्र पढ़ने से हम इतिहास के काफी निकट और बाय एंड लार्ज सत्य को समझने की भी सुविधा पड़ती है। और इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए, वरना आजकल तो आप लोगों को वो आदत है कि नहीं पता नहीं, हर काम गूगल गुरु करता है, कोई भी सवाल है गूगल गुरु के पास चले जाओ, इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, ज्ञान नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलती है। और इसलिए हम सब उस दिशा में प्रयास करें। मुझे बताया गया है कि कुछ विद्यार्थियों के मन में सवाल भी हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा उन सब से गप्पे गोष्ठी करना। बहुत हल्का फुल्का माहौल बना दीजिए, जरा गंभीर रहने की जरूरत नहीं है। आपके शिक्षक ने कहा होगा हाथ ऐसा मत करो, यूं मत करो, ऐसा सब कहा होगा ना? हाँ, तो आपके शिक्षक ने जो कहा है वो यहां से जाने के बाद उसको पालन कीजिए। हैं, अभी हंसते खेलते आराम से बैठिए और हम बातें करेंगे। फिर एक बार आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। टीचर्स डे पर देश के सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम जैसे अनेकों के जीवन में बनाने में शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है, उस सबका ऋण स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्दों ने न केवल बच्चों को अभी तो शिक्षकों को भी प्रेरित किया है और बेहतर होने का सपना देखने का। 15 अगस्त का संकल्प, जिसका अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख भी किया, उसी संकल्प को कार्यान्वित करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान की विवरणिका का विमोचन करेंगे।